बहुत बहुत स्वागत है बच्चों सभी का माननीय मुख्यमंत्री जी की अभ्युदय योजना की जेई मैथमेटिक्स की क्लास में। बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन चैप्टर स्टार्ट किया था और उस स्ट्रेट लाइन चैप्टर में हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट जो क्लास 9, 10 और 11th की ज्योमेट्री में हम लोगों ने पढ़ा था उसके बारे में डिस्कशन किया था। बच्चों आज हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, स्लोप, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड डिफरेंट फॉर्म्स, इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने वैसे डिस्टेंस फार्मूला और उसके कुछ बेस प्रॉब्लम लोगों ने सॉल्व किए थे, तो आज फटाफट उसको क्विक रिव्यू देके आपके सामने ये जो एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना हुआ है, दिस इज योर फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसमें साइन स्कीम प्लस प्लस थी, इसमें साइन स्कीम में एप्सिसा नेगेटिव और ऑर्डिनेट पॉजिटिव, इसमें दोनों नेगेटिव और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखो बेटा अगर मैं तुमसे कहूं कि कार्टेशियन सिस्टम में आपके सामने एक लाइन सेगमेंट है जिसका नाम ए बी है और ए बी के कोऑर्डिनेट एक्स वन कॉमा वाई वन और बी के एक्स टू कॉमा वाई टू है। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि बेटा इसकी डिस्टेंस क्या होगी बिटवीन दी पॉइंट ए एंड बी, तो इट विल बी डिनोटेड बाय मॉड ऑफ ए बी और बच्चों ये एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर से रिप्रेजेंट होगी। ठीक है, अगर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कहा जाए तो ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन जो है OA की बात कर लें तो इट विल बी अंडर रूट एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर, मतलब सिंपली ओरिजिन और पॉइंट की डिस्टेंस जो है उस पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट के स्क्वायर का सम जो है वो आपको डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स दे देगा। ठीक है, अब जरा देखो मैं इसके बारे में बाद में बात करता हूँ, मतलब अब बताने जा रहा हूँ अबाउट दी सेक्शन फार्मूला बताया था हम लोगों ने। बेटा सेक्शन फार्मूला क्या था? सेक्शन फार्मूला ये था कि अगर मान लीजिए एक्स वन वाई वन दो पॉइंट है और सी कोई पॉइंट एक्स कॉमा वाई है जो ए बी को एम इज टू एन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो एक्स एक्स वन वाई वन और एम और एन के क्या रिलेशन होगा इसको हम सीखने जा रहे हैं। तो एक्स जो होगा वो एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, वाई इज इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन होगा, मतलब जब एम की वैल्यू दोगे तो इधर वाली वैल्यू एन पे ही आला इतना आ गया। इसी तरीके से अगर डिवीजन एक्सटर्नल है तो एम एक्स टू माइनस एन हो जाएगा और फार्मूला बन जाएगा एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन और वाई हो जाएगा एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन। ठीक है, मैंने कहा था बेटा अगर इसमें मिड पॉइंट के फार्मूले की बात करी जाए तो मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया? मिड पॉइंट का मतलब यही हो गया कि अगर आपने एक लाइन ड्रॉ करी है और ये इसका मिड पॉइंट है, दिस इज योर पॉइंट ए एक्स वन कॉमा वाई वन, दिस इज योर पॉइंट बी एक्स टू कॉमा वाई टू, दिस इज योर पॉइंट सी एक्स कॉमा वाई,
और ये 1:1 का रेशियो हो गया, तो x बराबर जो होगा वो x1 प्लस x2 अपॉन 2 होगा, और y की वैल्यू y1 प्लस y2 अपॉन 2 होगी, बिकॉज m is to n जो होगा वो 1:1 हो जाएगा, ठीक है ना। बट हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट दी एरिया ऑफ ट्रेंगल के बारे में। जैसा कि मैंने फ्रॉम द बिगिनिंग बताया था कि एरिया ऑफ ट्रेंगल का यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, तो आइए जरा डिस्कस करते हैं। देखो बेटा इसमें क्या हो रहा है, मान लीजिए ये ए पॉइंट है x1, y1, बी पॉइंट है x2, y2, और सी पॉइंट है x3, y3। तो अगर मैं पूछूं कि भाई इस ट्रेंगल का एरिया इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट एबीसी क्या होगा, तो आप कहोगे एरिया जो होगा वो 1/2, इसके बाद में एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x1, x2, x3, x1 ऐसे लिख दीजिए, y1, y2, y3, फिर y1 लिख दीजिए। बच्चों सबसे पहले इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो आंसर आए उसमें से इसको जो मैं डॉट लाइन से बना रहा हूं उसका एरिया माइनस कर दीजिए, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ये जो ऊपर क्वांटिटी लिखी हुई है ये कितना आ जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1/2 पहले ब्रैकेट में x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस दूसरे ब्रैकेट में x2 y1 प्लस x3 y2 प्लस x1 y1, ठीक है। मतलब देखिए x1 x2 x3 लिखिए और x1 रिपीट कर दीजिए, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ हाफ इशू कर दीजिए, तो यू विल गेट द एरिया ऑफ द ट्रेंगल। अब देखो बेटा इसमें एरिया ऑफ ट्रेंगल में अगर एरिया ऑफ ट्रेंगल 0 के बराबर आ जाए, इफ एरिया ऑफ ट्रेंगल इक्वल टू 0, तो ये शो करेगा, क्या शो करेगा भाई, तो आप कहोगे कि पॉइंट्स ए कॉमा बी कॉमा सी आर कोलिनियर, ठीक है ना। अब जैसे मैं तुमसे कहूं इस पर एक बेस छोटा सा प्रॉब्लम देख लो। हाँ एक बात मैं तुमको बता दूं बच्चों कि अगर मैं तुमसे कहूं कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे निकालेंगे, तो बेटा इसमें एक बात ध्यान रख लेना कि सबसे पहली बात यह है कि अगर हम लोग यहां पर क्वाड्रिलेटर के चार पॉइंट दिए हुए हैं, तो अगर वो चारों पॉइंट ऑर्डर में है, मतलब 1 2 3 4 उनको मिलाने पर एक क्वाड्रिलेटर फॉर्म हो रहा है, तो हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। देखो बेटा ये हो सकता है, लेकिन मान लो कभी बेटा ऐसा हो कि यहाँ एक पॉइंट ये दिया है, पॉइंट ऑर्डर में नहीं, चार पॉइंट दिए हुए हैं लेकिन वो ऑर्डर में नहीं है, तो क्या बना, ऐसे बना, फिर ये बना, फिर ये बना, तो आप लोग देख रहे हैं बेटा ये जो एक क्वाड्रिलेटर नहीं बन रहा है बल्कि ये दो ट्रेंगल बन रहे हैं। तो सबसे पहले इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है जो चार पॉइंट दिए हुए हैं इट मस्ट बी इन द ऑर्डर, अगर ऑर्डर में नहीं है देन यू कैन नॉट अप्लाई द फार्मूला और यू कैन नॉट फाइंड द एग्जैक्ट एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर। एम आई क्लियर, तो अब मैं इसको बेटा आगे बढ़ा रहा हूं अपनी बात को। देखिए सिंपल सी बात है इसमें कि अगर हम लोग क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना चाहें तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया किस तरीके से निकालेंगे, आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, ये पॉइंट ए x1, y1,
point B x2 comma y2, point C x3 comma y3 और point D x4 comma y4। तो देखो बेटा, सबसे पहले ये बात समझ लीजिए इसमें। तो देखो बेटा, इस चारों पॉइंट जो है वो ऑर्डर में लिए गए हैं, तो इस कंडीशन में इसका जो एरिया होगा, इसको निकालने का तरीका वही है, दिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वन बाई टू। यहां लिख दो बेटा x1, x2, x3, x4, फिर x1 लिख दीजिए, यहां पे y1, y2, y3, y4, फिर y1 लिख दीजिए। तरीका वही है बेटा, यहां से स्टार्ट करो पहले, इनका मल्टीप्लिकेशन, इनका मल्टीप्लिकेशन, इनका मल्टीप्लिकेशन, इनका सबको जोड़ दो, और इनका ये जो डॉटेड लाइन बना रहे हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन करके जोड़ के जो दोनों रिजल्ट आए उनका डिफरेंस ले लीजिए, ठीक है ना। तो एरिया कितना हो जाएगा बेटा, तो आप कहोगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वन बाई टू मॉड ऑफ एक ब्रैकेट में x1 वाई टू प्लस x2 वाई थ्री प्लस x3 वाई फोर प्लस x4 वाई वन माइनस ब्रैकेट में x2 वाई वन x3 वाई टू x4 वाई थ्री प्लस x1 वाई फोर। ठीक है, समझ में आ गई बात? नहीं आती तो एक क्वेश्चन फटाफट करते हैं इस पर बेस्ड। क्वेश्चन बच्चों तुम्हारा ये है कि इफ वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इन ऑर्डर आर -1, 4, 5, 6, 2, 9 एंड x, x2। एरिया जो है वो 15/2 स्क्वायर यूनिट गिवन है। आपको पहला काम क्या करना है, x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, सिंपल सी क्वेश्चन है एकदम, कैसे अटेम्प्ट किया जाए इस पे ध्यान देना है आपको। देखो बेटा, यहां पर वर्टिसेस जो दिए वो ऑर्डर में ऑलरेडी बोल दिया गया कि वर्टिसेस आर टेकन इन ऑर्डर। ठीक है, तो सीधे एरिया फार्मूला कितना होता है, तो एरिया फार्मूला होता है 15/2 दिया हुआ है। ये क्या होगा बेटा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वन बाई टू। तो पहला बेटा पॉइंट क्या था, पहला है -1, फिर 5, फिर 2, फिर x, फिर 1। दूसरा कितना हो जाएगा, 4, 1, 9 x2 और रिपीट 4। देखो बेटा, इसमें क्या हो जाएगा, अब हम लोग जब बात करेंगे इसके बारे में, जरा इसको वैल्यू निकालें कितनी आएगी वैल्यू, देखिए तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 15/2 इक्वल्स टू 1/2। ये बेटा मॉड लगा दिए, सबसे पहले ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो -1 आएगा, 45 आएगा, 2x2 आएगा और 4x आएगा। ठीक है, एक तो ब्रैकेट में बच्चों ये आ गया, फिर लगा दो माइनस, फिर ऐसे करना है 5, 4, 20 प्लस 2 प्लस 9x प्लस x2। ये 2 इसको छोड़ेगा नहीं, खत्म कर दो उसको, तो 15 कितना आ जाएगा, 45 में से एक गया, ये हो जाएगा 44
प्लस 2x स्क्वायर, 20 और 2 22 मतलब -22, -9x -x स्क्वायर, ये हो गया। ये बेटा कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 4 और 9 ये मिलके आ जाएगा -5x, और ये 44 में से 22 जाएगा तो बच जाएगा प्लस का 22। अब देखो बेटा इधर मॉड लगा हुआ है, तो क्या होगा तरीका कि मॉड हटाइए और दोनों तरफ प्लस माइनस लगाइए। इसका मतलब वी आर गोइंग टू सॉल्व मॉडुलस एक्सप्रेशन, तो क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 22 की वैल्यू या तो 15 होगी, लाइन खींच दे रहे हैं, या एक्स स्क्वायर -5x प्लस 22 की वैल्यू -15 होगी। ठीक है बेटे, इसे कितना मिल जाएगा, इसे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर -5x, 22 में से 15 गया 7 आ जाएगा बराबर 0। इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर -5x, 22 और 15 कितना हो गया, 5 2 7 2 1 3 37 है ना, इक्वल टू 0। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा इसमें, समझ में आ गई बेटा। यहां पर जरा देखो ये जो लाइन रिपीट हुई थी, तो ये लिखा है आपका -1, तो यहां भी -1 होना चाहिए था बेटा। जरा सी सावधानी हटेगी दुर्घटना घटेगी, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा भाई, तो आपका हो गए यहां पर हो जाएगा -x2, ये जो प्लस है ये -x2 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली ये हो जाएगा आपका प्लस x2, तो ये हो जाएगा 3x2, बाकी तो सब ठीक है। तो ये होगा 3x2 -5x प्लस 22, तो फाइनली आ गया 3x2 -5x प्लस 22 इक्वल्स टू 15, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो ये कितना आ जाएगा, 22 में से 15 गया 7 आ गया, और 22 और 15 हो गया 37, यहाँ पे 3x2 हो जाएगा, बाकी सब ठीक है। अब जरा बेटा देखो इसका जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि बी स्क्वायर का मतलब होगा 25 -4ac, ये नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव होने का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव होने का मतलब ये हो गया कि भाई इसके रूट इमेजिनरी हो जाएंगे, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज क्वाड्रिलेटरल हम लोग यहाँ पर रियल क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व करके देखिए, देखो बच्चों यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात हो रही है और एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो जैसा कि आपको पता है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, तो ये मैंने बताया था कि दिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1/2 एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर, फिर एक्स वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर, फिर वाई वन, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा भाई, तो आप कहोगे ये हो जाएगा 1/2 बेटा, पहला पॉइंट है -1/4, तो -1/4 ऐसे लिख दिया, दूसरा है 5/6 ऐसे लिख दिया, 2/9 ऐसे लिख दिया, एक्स और एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दिया। फिर क्या करते हैं बेटा, जो पहला पॉइंट था -1 और 4 इसको रिपीट कर देते हैं। चलो फटाफट इसको
कैलकुलेट करते हैं, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, ये मॉड लगा दे रहे हैं, ये 15/2 दिया हुआ, 15/2 लिख दो, ये कितना आ जाएगा, -6 प्लस 45 प्लस 2x² प्लस 4x माइनस 20 प्लस 12 प्लस 9x माइनस 6x², ठीक है, ये 2 कैंसिल हो गया, 15 इक्वल्स टू मॉड ऑफ बेटा 45 में 6 गया 39 प्लस 2x² प्लस 4x 20 और 12 32 माइनस 9x प्लस 6² ये बेटा क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा 15 इक्वल्स टू 39 में से 32 जाएगा 7 प्लस 3x² और माइनस 5x बेटा क्या मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा 15 इज इक्वल टू 3x² माइनस 5x प्लस 7 एक और 15 इज इक्वल टू ये माइनस 15 कर दे रहे ठीक है 3x² प्लस 7 माइनस 5x सॉल्व कर दे इसको तो जाएगा 3x² माइनस 5x और 15 में 7 गया -8 बराबर 0 और 3x² माइनस 5x 15 और 7 22 ठीक है। देखो बेटा इसके रूट्स होंगे वो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव दिखाई पड़ रहा है क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4 इज नेगेटिव, इसका मतलब इसमें कोई भी वैल्यूज x की जो निकलेंगी वो पॉसिबल नहीं होंगी। जरा इसको सॉल्व कर लो तो इसे क्या मिल जाएगा, तो यह आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा x इक्वल टू 5 प्लस माइनस 2596 121 मतलब 11 आ जाएगा अपॉन 6 तो इसका मतलब टैक्स की वैल्यू कितनी आ गई 16/6 या माइनस का 6/6 तो इससे एक्स की वैल्यू कितनी निकली, इससे निकली 8/3 और -1 ये आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा आप लोगों को आई थिंक, एकदम सिंपल सी प्रॉब्लम थी। बस बच्चों ध्यान रखना है कि मॉडुलस साइन को भूलना नहीं है, इफ यू आर नॉट रिमेम्बरिंग द मॉडुलस साइन तो एक वैल्यू जो है वो मिस हो सकती है। खैर यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि एक वैल्यू अपने आप ऑलरेडी एक पेयर खराब हो गया, तो मॉडुलस वैल्यू को जरूर ध्यान रखना है ठीक है। बेटा हम लोग बात करने जा रहे हैं अपना नया टाइटल है लोकस। तो एक मन में फीलिंग आती है कि लोकस क्या है, तो मैथमेटिकल डेफिनेशन ही समझ लो कि द पाथ एक्वायर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज रिफर्ड एज इट्स लोकस। जैसे मैं तुमसे कहूं कि एक पॉइंट ये फिक्स पॉइंट है और ये आपका मूविंग पॉइंट है ठीक है। तो अब पॉइंट कैसे बेटा मूव कर रहा है, पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है कि एफ और पी के बीच की डिस्टेंस जो है वो हमेशा कैसी है,
कांस्टेंट है, मतलब पी कहीं भी हो, चाहे यहाँ पे हो, मूव कर रहा है तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, सबटा कांस्टेंट बराबर है। तो मैं तुमसे पूछूं कि पी कैसे मूव कर रहा है, पी के मूवमेंट से कौन सी फिगर ऑब्टेन हो रही है, तो आप कहोगे ये एक सर्किल बन रहा है। ठीक है, अब जैसे मान लो बेटा कोई साइकिल है, ये साइकिल चल रही है बेटा, तो साइकिल चल रही है तो इसका जो ये धुरी है, एक्सिस जहां से मूव कर रहा है, अगर ये साइकिल एक प्लेन रोड पे चल रही है तो इसका लोकस कैसा होगा? तो आप लोग कहोगे कि इसका लोकस एक स्ट्रेट लाइन है, देखो ना ऐसे चल रही ना। ठीक है, तो लोकस से क्या फीलिंग मतलब मीनिंग निकलता है? तो आप कहोगे भाई लोकस किसी भी पॉइंट का लोकस जो है वो हमको ये बताता है कि उसका पाथ मूविंग पॉइंट का किस तरीके का है। ठीक है, जैसे मैं तुमसे कहूं और एग्जांपल देख लो, एक दो एग्जांपल बेटा, मैं तुमसे कहूं कि एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, अब मैंने कहा भाई एक ऐसा पॉइंट का लोकस बताओ जो हमेशा इनके दोनों एंड पॉइंट से या इस पर ऐसे खूब सारे पॉइंट हैं जिससे वो पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है, तो आपको सर ये पता है कि अगर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर लिया जाए ऐसे, तो जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो क्या करेगा? हम लोगों को ये डिस्क्राइब करेगा कि ए और बी के बीच डिस्टेंसेस जो है वो आपस में इक्वल है। बात समझ में आ गई? तो मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द लोकस, तो लोकस कहोगे लोकस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी तरीके से बेटा मैं तुमसे कहूं कि आपका एक ट्रेंगल बना हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कि इस ट्रेंगल में ऐसे पॉइंट का लोकस बताओ जिसकी साइड ए बी और साइड बी सी से डिस्टेंस इक्वल हो, तो क्लियरली आपको पता है बेटा कि जो इक्वल के बारे में बात कर रहे हैं तो इक्वल डिस्टेंस क्या होगी, जो इसका एंगुलर बाइसेक्टर होगा। ये देखिए, ये जो बेटा एंगुलर बाइसेक्टर होगा उसकी ये डिस्टेंस मतलब ए बी साइड आर्म ए बी से डिस्टेंस फ्रॉम आर्म ए बी, इसको डिस्टेंस फ्रॉम आर्म बी सी, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटा इसमें? तो अब बात आती है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी पॉइंट के लोकस कैसे निकालते हैं, तो यहां पर हम लोग बात करने जा रहे हैं एल्गोरिदम टू फाइंड दी इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ ए पॉइंट। देखो बेटा क्या होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी मूविंग पॉइंट है के कोऑर्डिनेट को एच कॉमा के, और कई बार एक्स कॉमा वाई भी मान सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन हमने किसी इंस्टेंट के ऊपर उसके कोऑर्डिनेट एच कॉमा के मान लिए। नंबर दो काम का करना होता है, वी विल अप्लाई द गिवन कंडीशन और कंडीशंस। ठीक है, नंबर तीन क्या होगा, रिमूव द पैरामीटर्स इफ एनी, और फाइनली रिप्लेस एच बाई एक्स एंड के बाई वाई। ठीक है ना, इससे क्या मिल जाएगा तुमको, इससे तुमको इक्वेशन ऑफ लोकस मिल जाएगी। जैसे मैं तुमसे कहूँ एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं तुमको उस चीज को क्लियर करना चाह रहा हूं, जैसे मैं तुमसे कहा
कि फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट पी विच इज इक्विडिस्टेंट from the points three comma four and O 0, 0. ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा। हमने क्या कर दिया, हमने मान लिया कि भाई जो मूविंग पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा के है। अब एक ऑर्डिनेट क्वेश्चन क्या दिया है कि PA की डिस्टेंस, जिसे मैंने मॉड लगा दिया, और PO की डिस्टेंस आपस में हमेशा बराबर है। बेटा इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि PA का स्क्वायर PO के स्क्वायर के बराबर है। बेटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा H माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस K माइनस 0 का होल स्क्वायर, सॉरी 4 है, इक्वल्स टू एच स्क्वायर इसके स्क्वायर, क्योंकि जीरो माइनस करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेटा इसको बिल्कुल कितना आ जाएगा, एच स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 एच प्लस के स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8 के इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका 25 माइनस 6 एच माइनस 8 के बराबर 0, मतलब फाइनली कितना आ जाएगा 6 एच प्लस 8 के इक्वल टू 25। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लोकस क्या हो जाएगी, एच कॉमा के विल बी 6 एक्स ठीक है, समझ में आ गया। बेटा अगला क्वेश्चन देखो, करा फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट हूज डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 2/3 of the distance from the y-axis, ठीक है ना। अब जरा देखो बेटा इसमें क्या होगा, सिंपल सी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम x-एक्सिस इज 2/3 ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम y-एक्सिस। देखो भाई देखो, कोई पॉइंट बेटा यहाँ पे P लिखा हुआ है जिसका लोकस निकालना है, एच कॉमा की मान लिया। अब देखो इस पॉइंट की मैं तुमसे कहूं x एक्सिस डिस्टेंस कितनी होगी, ये तुम्हारी x एक्सिस है, ये तुम्हारी y एक्सिस है। बेटा x एक्सिस डिस्टेंस कितनी होगी, PA और PB, ठीक है। तो बेटा फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो x एक्सिस डिस्टेंस तुम्हारी कितनी दिखाई पड़ रही बेटा, मॉड के, क्योंकि ये जो डिस्टेंस बेटा होगी वो y डिस्टेंस के बराबर होगी ना। तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा के, तो मॉड लगा देंगे, क्योंकि ये पॉइंट P यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी कहीं भी हो सकता है। और x एक्सिस डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, ये होगी डिस्टेंस, तो मॉड h होगी, क्योंकि चारों पॉसिबिलिटीज है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस इज मॉड के is 2/3 distance from y-axis, but square कर दीजिए, square करने से mod गायब हो जाता है, पता है ना, 4/9 h square, तो कितना हो गया 9 k square is equal to
4 एच स्क्वायर। तो देयर फोर इक्वेशन ऑफ लोकस क्या हो गई, हो गए 4 एच की जगह कितना रखोगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 वाई स्क्वायर। समझ में आ गई बात बेटा आप लोगों को कि लोकस की इक्वेशन को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, अब जरा देखिए एक क्वेश्चन और है, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखो बेटा क्वेश्चन तुम्हारे सामने क्या लिखा हुआ है, तुम्हारे सामने क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि a 0,1 b 0,-1 आर टू पॉइंट्स। इफ अ वेरिएबल पॉइंट p मूव्स सच दैट सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम a एंड b इज 4, देन लोकस ऑफ p इज द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है, आई थिंक आप लोगों को प्रॉब्लम पढ़ के समझ में आ गया होगा। ए और बी दो पॉइंट हैं, वेरिएबल पॉइंट पी ऐसे मूव कर रहा है कि ए और बी से जो डिस्टेंस है, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि मॉड ऑफ पी ए प्लस मॉड ऑफ पी बी 4 दिया है। बेटा इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया वही पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट एच कॉमा के, मान लो क्योंकि लोकस की बात हो रही है, तो एच माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 1 का होल स्क्वायर। पी भी कितना है, प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये 4 दिया हुआ है, ये बड़ा हो जाएगा h स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। इसको बेटा उधर भेज के स्क्वायर कर रहा हूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ए मतलब 4 हो गया और ये माइनस का होगा, यहाँ पर माइनस होगा 2 इंटू 4 इंटू ए बी, ए बी का मतलब यहाँ पर हो जाएगा एच स्क्वायर के प्लस 1 होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा भाई, देखो तो एच स्क्वायर से स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k माइनस 8 अंडर रूट तो ये k स्क्वायर था, फिर k स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो फाइनली कितना आ जाएगा माइनस 4k माइनस 16 इक्वल टू माइनस 8 अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k। ठीक है, बात समझ में आ गई। अभी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा k प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 4 से डिवाइड कर देगा तो 2 आ जाएगा और दोनों स्क्वायर कर देगा, ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, ये जाएगा k स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8k इक्वल टू 2h स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 4k माइनस 15 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर लोकस क्या हो जाएगा बेटा, लोकस ऑफ h कॉमा k इज 2x स्क्वायर प्लस
प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स की माने वाई माइनस 15 इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ी सी पिक्चर बाकी है। पिक्चर क्या बाकी है बेटा? थोड़ी सी यहां पर वो हो गई है, जब मैंने यहां पे स्क्वायर किया ये, तो एक्चुअली में फोर ए भी तो होगा ना, ये गड़बड़ी कर दिया। तो जगह फोर एच स्क्वायर, फोर के स्क्वायर, एट के। मैं वही बोलूं कि यहां पर कुछ तो गड़बड़ हो रही है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा, थोड़ा बिगाड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ बेटा एलिप्स बन जाती है ना। तो यहाँ कैलकुलेशन में जरा सी भी सावधानी हट जाती है तो गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो अब बेटा ये आ जाएगा तुम्हारा फाइनली, एक सेकंड में पेन ले लूं, ये तुम्हारा एट के से एट के कैंसिल हो गया, तो तुम्हारे पास में आ जाएगा फोर एच स्क्वायर प्लस थ्री के स्क्वायर इक्वल्स टू 15। तो ये आ जाएगा बेटा एच स्क्वायर अपॉन 15 अपॉन 4, यहां भी गड़बड़ी होगी, प्लस 4 होगा देखो, सॉरी, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा और के स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। तो ये मैंने बेटा जो क्वेश्चन में दिया लोकस इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो कहोगे एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 बराबर 1, ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स है। और आपको क्वेश्चन में दिया है कि ये क्वेश्चन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 के फॉर्म में है। तो ए स्क्वायर कितना हो गया 3, बी स्क्वायर कितना हो गया 4। तो क्वेश्चन में कहा जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4 और 3 7। तो आंसर बेटा कितना हो गया आपका, आंसर हो गया आपका 7 आ गया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें बेटा? हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट दी शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस। बेटा शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस में क्या है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। देखो ये तुम्हारा ओरिजिन है, ये तुम्हारा x एक्सिस है, y एक्सिस है, इसके कोऑर्डिनेट 0, 0 और पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट स्मॉल x, स्मॉल y। अब बेटा क्या किया जा रहा है, इसमें एक्सिस जो है वो किसी दूसरे पॉइंट h, k पर शिफ्ट कर दी गई, और ये पॉइंट पी तो बेटा वही रहा, तो इसे कॉर्डिनेट कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई हो गया। तो ये शिफ्टिंग का मतलब क्या हो गया, इस एक्सिस को उठाकर यहां पर शिफ्ट कर दिया गया। तो बेटा शिफ्टिंग दो तरीके की होती है, एक शिफ्टिंग ये है कि भाई ओरिजिन को शिफ्ट कर दो, दूसरा है कि ओरिजिन को शिफ्ट मत करो और उसको रोटेट कर दो। ठीक है, तो अभी लोग बात कर रहे हैं कि शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन की बात कर रहे हैं, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। तो बेटा ये क्या होगा, पॉइंट ये h कॉमा k हो गया। तो मैं तुमसे पूछूं इनमें रिलेशन क्या है, तो जरा देखो अगर मैं इसको यहां पर इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, तो आप देखो बेटा ये डिस्टेंस तो k है, ये कैपिटल x है और ये फाइनली कितनी बेटा ये स्मॉल y है। तो मैं तुमसे पूछूं बेटा स्मॉल y की वैल्यू कितनी है, तो स्मॉल y क्या हो गया, कैपिटल y प्लस के। ठीक इसी तरह देखो बेटा यहाँ पर ये डिस्टेंस को मैं यहाँ से प्रॉब्लम ड्रॉप कर दे रहा हूँ इस पर, तो ये कितना हो गया, ये कैपिटल एक्स हो गया और ये कितना हो गया, स्मॉल एक्स हो गया।
और ये कितना है बेटा, एच है, तो स्मॉल एक्स कितना हो गया, तो कहोगे कैपिटल एक्स प्लस एच। तो ये एक पॉइंट मिल गया आपको। अगर मैं तुमसे पूछूं कैपिटल वाई बेटा कितना है, तो कहोगे वाई माइनस के, और कैपिटल एक्स कितना है, एक्स माइनस एच। तो ये बेटा क्या है, ओल्ड और न्यू के बीच में रिलेशन है। जैसे मैं तुमसे कहूं कि भाई ओरिजिन के कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ ओल्ड कार्टेशियन सिस्टम में क्या होंगे, मतलब हम लोगों को बेटा एच कॉमा के जो है ये 0, मतलब ये देखिए क्या हो गया कि ये पहले आपका दिया हुआ पॉइंट है और ये बाद में ओरिजिन हो गया है। तो जरा देखिए, मैं तुमसे आपसे कहूं कि इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट एच कॉमा के हैं, लेकिन बेटा मैं इसके इसको एच कॉमा के ले रहा हूं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, मतलब 0 किसमें बदलेगा और दूसरा 0 किसमें बदलेगा। ठीक है, मतलब हमें ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, द न्यू कोऑर्डिनेट, तो न्यू कोऑर्डिनेट बेटा क्या होते हैं, न्यू कोऑर्डिनेट कैपिटल एक्स बराबर स्मॉल एक्स माइनस एच, कैपिटल वाई इज इक्वल टू स्मॉल वाई माइनस के। एच और के क्या है बेटा, एच और के न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन है। तो बेटा कैपिटल एक्स वैल्यू कितनी होगी, एक्स, एक्स का मतलब पुराना कोऑर्डिनेट, पुराना कोऑर्डिनेट कितना है 0 माइनस एच, कैपिटल वाई कितना हो गया 0 माइनस के। तो फाइनली आ गया एक्स इज इक्वल टू माइनस एच और वाई इज इक्वल टू माइनस के, मतलब ओल्ड ओरिजिन के कोऑर्डिनेट माइनस एच कॉमा माइनस के हो जाएंगे इसमें। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा आप लोगों को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। जैसे मैं तुमसे कहूं कि एक क्वेश्चन है कि एक इक्वेशन लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस 2y² प्लस 3x माइनस 4y प्लस 7 बराबर 0, ये क्वेश्चन दी हुई है। आपसे कहा जा रहा है कि ओरिजिन को 1, -2 पे ट्रांसफर कर दिया गया, मतलब ये h हो गया, ये k हो गया। तो आपसे कहा जा रहा है कि इसकी इक्वेशन अब क्या हो जाएगी, तो सिंपली बेटा क्या कर दोगे, स्मॉल x जो है वो किसमें चेंज हो जाएगा, तो आप कहोगे स्मॉल एक्स जो है वो कैपिटल एक्स प्लस एच में और स्मॉल वाई कैपिटल वाई प्लस के में बदल जाता है जब हम लोग ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं, ये तो होता है ना। तो बेटा यहाँ पे क्या कर दोगे, ये हो जाएगा एक्स प्लस 1² प्लस 2y माइनस 2² प्लस 3 एक्स प्लस 1 -4 y, के का मतलब कितना है प्लस 2 प्लस 7 बराबर 0, ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा x² प्लस 1 + 2x प्लस 2 y² प्लस 4 - 4 y प्लस 3x प्लस 3 - 4 y -8 प्लस 7 बराबर 0, कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा x² प्लस 2y², ये 2x और 3x 5x हो गया। यहाँ पे आएगा -8y और -4y -12y, 1 और 8 9, 9 और -8 1, 7 × 11 +11 = 0। चेक कर लो, ये 1, 4 × 8 ये कितना हो जाएगा, 8 और एक 9, 9 और 3 12, 12 में से 4, 4 × 4 = 11। ठीक है, तो ये तुम्हारा बेटा क्या हो गया, ये न्यू इक्वेशन हो गई तुम्हारी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा इसमें। अगला कंसेप्ट है कि रोटेशन ऑफ एक्सिस।
बेटा रोटेशन ऑफ एक्सिस का कंसेप्ट क्या है, तो आइए देखते हैं जरा सा। ये आपकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना हुआ है, इसमें क्या किया गया, इसमें ओरिजिन को तो कांस्टेंट रखा गया, मैंने ओरिजिन कोई छेड़छाड़ नहीं करी गई। ये जो एक्स एक्सिस स्मॉल एक्स एक्सिस थी, ये कैपिटल एक्स एक्सिस हो गई, और ये एंगल मान लीजिए थीटा रोटेट कर दिया गया। तो जब थीटा रोटेट किया, ये पॉइंट पी दिया, बताइए ये। तो देखो बेटा मैंने क्या किया, इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई, ये कब है, ये तब थे जबकि रेफरेंस जो एक्सिस थी वो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई थी। व्हेन वी रोटेटेड द एक्सिस थ्रू एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री, सॉरी थीटा रेडियन, डिग्री रेडियन क्या फर्क पड़ता है उससे, तो उससे जो ये है यहां पर एक्स और वाई कैपिटल एक्स कैपिटल वाई इसके नए कोऑर्डिनेट हो गए। नाउ वी आर गोइंग टू एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन स्मॉल एक्स स्मॉल वाई एंड कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। आइए देखते हैं कैसे करना होगा। देखो भाई अब क्या हो रहा है, इसको जो अगर हम हाथ से बना देते बैठा देते हैं, ठीक है। देखो बेटा अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये भी 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 डिग्री है तो ये थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब देखो बेटा अगर ये मैं ओल्ड एक्सिस के हिसाब से मानूं तो ये स्मॉल एक्स है और ये तुम्हारा फाइनली जो है वो स्मॉल वाई है, ये कैपिटल एक्स है कैपिटल वाई है, और यहां से इसका नाम अगर मैं ए दे दूं तो ओ ए जो है वो कैपिटल एक्स है। देखो बेटा अगर मैं इस ट्रायंगल को ले लूं, ये जो बना हुआ है ये एंगल थीटा है, मैं इस एंगल को कंसिडर कर रहा हूं, तो बेटा ये y है तो इसका ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये कंपोनेंट हो जाएगा y cos थीटा, दिस इज कैपिटल y, और बेटा ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा y sin थीटा हो जाएगा, ठीक। इसलिए को बेटा ये पूरी की पूरी डिस्टेंस कितनी दी हुई है, ये डिस्टेंस कैपिटल x दी हुई है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, कैपिटल एक्स कॉस थीटा, और मैं तुमसे पूछूं ये डिस्टेंस कितनी बेटा, यानी तो हो जाएगी कैपिटल एक्स साइन थीटा। तो देखो फिगर से एकदम क्लियर हो रहा है कि स्मॉल एक्स जो है वो यहां से यहां तक की डिस्टेंस में इतना पोर्शन माइनस करने पे मिलेगा, तो कितना होगा बेटा ये कैपिटल एक्स कॉस थीटा
माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा। और बेटा स्मॉल वाई क्या है, स्मॉल वाई माने इतना ये पोर्शन दोबारा, ये पोर्शन क्या है बेटा, ये पोर्शन याला और ये पोर्शन मिलके बन रहा है, ये पोर्शन कितना है बेटा एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा के बराबर है। तो दिस इज द फॉर्मूला व्हेन एक्सेस इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ थीटा रेडियन। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई, तो कैसे निकालोगे इसकी वैल्यू? बहुत सिंपल सा तरीका याद करने का है कि अगर मैं कैपिटल एक्स की वैल्यू निकालूंगे तो ये हो जाएगी एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, और कैपिटल वाई कितना हो जाएगा y cos theta माइनस x sin theta। बेटा कैसे निकाल सकते हैं, सिंपली यहां पर सबसे पहले देखो इसको cos से मल्टीप्लाई कर लो और इसको sin से ऐड कर दो, तो ऐड करने पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तुम्हारे, तो x cos theta प्लस y sin theta आ जाएगा। इसी तरह एलिमिनेशन मेथड का यूज करके वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ y आल्सो। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन तुमसे कहा जाए कि इसके ऊपर कि किस एंगल के ऊपर हम ट्रांसफर करें कि कोई इक्वेशन जो है वो इधर से इधर मतलब चेंज हो जाए, कोई भी नई इक्वेशन, तो इस पर बेस प्रॉब्लम बनती है। तो आइए जरा देखते हैं एक प्रॉब्लम को। जैसे मैं तुमसे कह दूं एक क्वेश्चन बन जाता तुम्हारे सामने कि एक इक्वेशन दी हुई है फोर एक्स वाई माइनस थ्री एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, एक इक्वेशन दी है और आपसे कहा जा रहा है कि इसको tan इनवर्स 2 के एंगल पर रोटेट किया गया है। तो सवाल ये उठ रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इस एंगल पर रोटेट करने पर ये जो इक्वेशन दी हुई है वो क्या हो जाएगी। देखो बेटा इसका मतलब यहां पर tan थीटा की वैल्यू 2 दी है और आपको पता है कि थीटा जो है ये दिया हुआ है, तो अगर ये 2 है ये 1 है तो ये रूट 5 आ जाएगा। तो साइन थीटा वैल्यू कितनी आ गई बेटा, साइन थीटा की वैल्यू आ गई 2/√5 और कॉस थीटा हो गया 1/5। ठीक है ना, अब देखो तो बेटा स्मॉल एक्स किसमें चेंज होता है, स्मॉल एक्स चेंज हो जाता है कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा में, और स्मॉल वाई किसमें चेंज हो जाता है कैपिटल वाई एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। ठीक है, तो जरा देखो बेटा कॉस थीटा का मतलब कितना हो गया यहाँ पर, इसमें एक्स हो जाएगा कैपिटल एक्स माइनस 2/√5 हो जाएगा और स्मॉल वाई चेंज हो जाएगा आपका कैपिटल एक्स इंटू 2 प्लस वाई अपॉन रूट 5। तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगी बेटा, ये क्वेश्चन बन जाएगी 4xy, तो xy मतलब 5 हो जाएगा x माइनस 2y, तो कैपिटल लिखा बेटा x माइनस 2y और 2x प्लस y माइनस 3
एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, तो कहोगे एक्स माइनस टू वाई अपॉन रूट फाइव का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। जब बेटा इसको सॉल्व कर लो फटाफट, तो इक्वेशन तुम्हारी बन के आ जाएगी सॉल्व करने के बाद में, फाइव एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू फाइव ए स्क्वायर, मतलब आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस फोर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब लोग बात करने जा रहे हैं अपने मेन टॉपिक पर, जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन। भाई स्ट्रेट लाइन को हम किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जो इस तरीके से मूव करता है कि दो दिए हुए पॉइंट से वो पॉइंट क्या हो जाए, कोलिनियर हो जाए, तो उसका लोकस जो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक बार ध्यान कर लो बेटा, कोई भी जो फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन होगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जिसमें कम से कम ए या बी जीरो के बराबर ना हो, ये क्या होती है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन पढ़ने के लिए, सबसे पहले हम लोगों को दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक वर्ड यूज होता है इंक्लिनेशन, स्लोप। बेटा इंक्लिनेशन क्या होता है और स्लोप क्या होती है, जरा देखो, ये आपकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। बेटा ये कोई लाइन है और ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब इस पॉइंट के राइट हैंड साइड में जो भी एंगल बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, दिस थीटा इज नोन एज इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। और एक बात और जान लीजिए कि ये जो इंक्लिनेशन आपका निकला हुआ है स्ट्रेट लाइन का, यही हम लोगों को स्लोप की डेफिनेशन बताएगा। एक बात ध्यान रखना कि जो थीटा है बेटा हमेशा लेस देन आर इक्वल टू पाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होता है, मतलब थीटा हमेशा जीरो और पाई के बीच में लाई करेगा, इससे ज्यादा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, अच्छा आप देखो तो बेटा स्लोप क्या होती है, तो किसी भी लाइन की जो स्लोप है उसको डिनोट करते हैं लेटर एम से, और एम होता है ये टेन थीटा के बराबर। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, समझ में आ गई बात आप लोगों को। देखो बेटा अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट दी स्लोप ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है स्लोप ऑफ अ लाइन joining two points। देखो बेटा बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ये पॉइंट तुम्हारा x1 y1 है और ये पॉइंट तुम्हारा x2 y2 है, हमें स्लोप निकालनी है।
स्लोप का मतलब टेन थीटा, तो अगर इसको बेटा मैं ऐसे आगे इंक्रीज कर दूं तो ये एंगल थीटा होगा और ये लाइन इसके पैरेलल, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो आप देख रहे हो बेटा ये यहां से यहां तक वाई टू है और यहां से यहां तक ये वाई वन है, तो ये कितना हो गया वाई टू माइनस वाई वन, ये कितना हो गया एक्स टू माइनस एक्स वन। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि वॉट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, तो आप कहोगे टेन थीटा, ये m के बराबर है और ये क्या होगा y2 टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है। और एक बात बेटा ध्यान रखना कि जो लाइन वर्टिकल लाइन होगी, वर्टिकल लाइन का मतलब क्या हो गया, जो लाइन x एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, इस लाइन की स्लोप डिफाइन नहीं होती है, क्योंकि थीटा की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी 90 डिग्री और tan 90 डिफाइन नहीं होता है। अच्छा अगर मैं तुमसे पूछूं कि उस लाइन की स्लोप के बारे में बताइए, कमेंट करिए कि अगर स्लोप जीरो हो, स्लोप पॉजिटिव है और स्लोप नेगेटिव है, तो आपको पता है बेटा कि स्लोप पॉजिटिव कब होती है, तो आप कहोगे कि जब थीटा मतलब टेन थीटा पॉजिटिव हो, तो टेन थीटा पॉजिटिव कहां पे होता है बेटा, जीरो से लेकर पाई बाय टू के बीच में, ठीक है ना, जीरो पे जीरो होता है, पाई बाय टू पे डिफाइन नहीं होता है। तो स्लोप पॉजिटिव कब होगी, तो एम इज पॉजिटिव व्हेन थीटा इंक्लिनेशन बिलोंग्स टू जीरो टू पाई बाय टू। अच्छा बेटा एम नेगेटिव कब होगा, तो आप कहोगे जब थीटा जो है वो पाई बाय टू और पाई के बीच लाई करें। अच्छा मेरा सवाल ये है कि m की वैल्यू जीरो कब होगी, तो कहोगे लाइन क्या हो, लाइन इज हॉरिजॉन्टल, मतलब अगर वो x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी तो उसकी स्लोप जीरो के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं, अब मैं बात करने जा रहा हूं अबाउट द एंगल बिटवीन टू लाइंस। देखो भाई सिंपल सा कंसेप्ट है इसका, ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस बन गई, एक लाइन तुम्हारी ये है और एक लाइन तुम्हारी ये है, ठीक है। मान लो बेटा ये एंगल थीटा टू बन रहा है, ये थीटा वन बन रहा है, तो इनके बीच का एंगल जो बेटा ये होगा वो यही तो होगा थीटा, ये होगा या ये होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो जरा देखो भाई मैं तुमसे कहूं कि भाई इसकी स्लोप क्या होगी, सॉरी एंगल क्या होगा बीच में, तो आप कहोगे कि थीटा टू इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रेंगल, जो भी नाम दिया हुआ है, तो थीटा टू जो होगा वो थीटा प्लस थीटा वन के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि थीटा की वैल्यू थीटा टू माइनस थीटा वन के बराबर आएगी, मतलब टेन थीटा को टेन थीटा टू माइनस थीटा वन कह देंगे, तो टेन थीटा कितना आ गया भाई, ये हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, तो ये बेटा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा एम टू माइनस एम वन अपॉन वन प्लस एम टू एम वन, ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें। अच्छा तो एक बेटा टेन थीटा निकल आया, अब हमें ये भी पता है कि बेटा इसके बीच की जो एंगल है वो पाई माइनस थीटा भी हो सकता है, तो मैं तुमसे पूछूं टेन पाई माइनस थीटा कितना होगा, तो कहोगे माइनस टेन थीटा, और माइनस टेन थीटा की वैल्यू ऑलरेडी निकली हुई है, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास में, यह आ जाएगा एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू,
क्योंकि नेगेटिव साइन लगा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर मैं इन दोनों रिजल्ट को कंबाइन कर दूं तो एंगल बिटवीन टू लाइंस जो है वो कैसे डिस्क्राइब होगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू से, ठीक है ना। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो अगर बेटा कभी भी हमें एक्यूट एंगल निकालना है तो वी कैन यूज दिस फार्मूला आल्सो, एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू विद मॉडल साइन, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जैसे मैं तुमसे कह दूं कि ए बी सी में पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हैं माइनस टू कॉमा वन, बी के कोऑर्डिनेट हैं टू कॉमा थ्री और सी के कोऑर्डिनेट हैं माइनस टू कॉमा माइनस फोर। हमें बेटा एंगल बी ए और बी सी के बीच में एंगल निकालना है। फाइंड एंगल बिटवीन बी ए एंड बी सी। तो देखो भाई कितना सिंपल द क्वेश्चन है, बी ए और बी सी के बीच निकालना है, इसका मतलब वी नीड स्लोप ऑफ बी ए, इसको हमने एम वन मान लिया। फार्मूला बेटा क्या होता है, जब बी ए की बात करेंगे तो थ्री माइनस वन टू, टू माइनस टू माने फोर आ जाएगा, मतलब वन बाई टू। मैं तुमसे कहूँ स्लोप ऑफ बी सी कितना होगा, तो बी सी मतलब बेटा ये हो गया, तो माइनस चार माइनस तीन माइनस सात माइनस दो माइनस दो माइनस चार, मतलब सेवन अपॉन फोर आ गया। अभी कितना आ जाएगा, तो ये बेटा हो गया एम टू, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, तो एक्यूट एंगल क्या होगा बेटा, तो आप कहोगे एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन इंटू एम टू, ठीक है। तो सॉल्व कर लो बेटा कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे टेन थीटा की वैल्यू आ गई, सॉल्व कर लीजिए इसको, तो कितना आ जाएगा चार माइनस फोर्टीन मतलब टेन, द मॉड में चार तो नौ। फाइनली बेटा ये आ जाएगा प्लस माइनस कहने तो टू बाई थ्री आ जाएगा फाइनली, ठीक है सॉल्व करके। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बेटा टोटल एंगल क्या है, तो उसमें आप कहोगे कि जो एंगल होगा वो टेन इनवर्स टू बाई थ्री या टेन इनवर्स माइनस टू बाई थ्री, मतलब ये एक्यूट एंगल होगा और ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटा इसमें। चलो हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। फिर अगर मैं तुमसे कहूं कि दो लाइनें जो है बेटा ये जो आपके सामने दी थी ये परपेंडिकुलर कब होंगी और पैरेलल कब होंगी, देखो भाई अगर दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हो जाती हैं, मतलब एक लाइन तुम्हारी ये है और एक लाइन तुम्हारी ये है, मतलब उनके बीच एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, और टेन 90 क्या होता है 1 अपॉन 0 होता है ना। फार्मूला क्या होता है बेटा, मॉड में एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू, ये तो है, तो डिनोमिनेटर जीरो होना चाहिए, ये तो हुआ, ये मल्टीप्लाई कर लो, फाइनली कितना आ गया वन प्लस एम वन इंटू एम टू बराबर जीरो, मतलब क्या आ गया, मतलब आ गया कि एम वन एम टू बराबर माइनस वन। अगर एम वन एम टू बराबर माइनस वन है तो हम लोग कहेंगे कि लाइन जो है वो आपस में परपेंडिकुलर है। और मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि लाइन्स आर पैरेलल, पैरेलल कैसे होंगी बेटा, तो पैरेलल कंडीशन में होंगी कि जब m1 की वैल्यू m2 के बराबर हो, क्यों, क्योंकि tan थीटा उस कंडीशन में जीरो आ जाएगा, मतलब m1 माइनस m2 वन अपॉन m1 m2 बराबर कितना होगा जीरो, तो इससे मिल जाएगा m1 बराबर m2 मिल जाएगा,
कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें आपको, समझ में आ गई बात? तो दिस इज द अबाउट द एंगल और कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी एंड कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, ठीक है। तो आज बेटा हम लोग अपनी क्लास को यहीं समाप्त कर रहे हैं, इतना आप लोग इस पर पढ़िएगा, नेक्स्ट टाइम पर हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द स्ट्रेट लाइंस। तब तक के लिए थैंक यू।